नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्रीचार्ज के जरिए कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास में फ्रीचार्ज का अकाउंट होना ज़रूरी है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, अपना है फ्रीचार्ज ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको देख लीजिए एक ऑप्शन आएगा म्यूचुअल फंड्स का। यहाँ पर जैसे न्यू पेमेंट में जो सारे टैब बने हुए हैं, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, DTH, उसी तरह से यहाँ पर फ्रीचार्ज में एक नई सुविधा है, और वो ये है कि आप फ्रीचार्ज के ज़रिए म्यूचुअल फंड्स भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करना होगा, और म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो म्यूचुअल फ़ंड खरीद सकते हैं, जो अभी अवेलेबल है, वो आपको दिखा देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दे रहा है ग्रो योर मनी विथ म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पर टैक्स सेवर फंड एंड स्मार्ट सेवर फंड करके दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो आप इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर आ रहा है कि क्या क्या करना होगा। इन्वेस्ट इन रिलायंस टैक्स सेवर फंड, तो अभी रिलायंस म्यूचुअल फंड की सर्विस अभी जो है उपलब्ध है फ्रीचार्ज के जरिए, और यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। सेव टैक्स अप टू 46,350 अंडर सेक्शन 80C, रिलेटिवली हायर रिटर्न पोटेंशियल एंड लोअर लॉक इन पीरियड दैन PPF एंड NSE वगैरह। तो ये सारी चीज़ें बताई हुई है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि पेपरलेस एंड इंस्टेंट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे कोई पेपर वाला प्रोसेस आपको नहीं करना है, सब कुछ जो है कि ऑनलाइन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फीचर्स आल्सो इंक्लूड, ऑल यू नीड इज जस्ट पैन नंबर। आपको अपना पैन नंबर यहाँ पे देने की ज़रूरत है, और मान लीजिए अगर आपने पहले कभी म्यूचुअल फंड नहीं खरीदा है तो आपको यहाँ पे आधार नंबर रिक्वायर्ड इफ़ यू हैव नेवर इन्वेस्टेड इन द पास्ट। तो आपको यहाँ पे आधार नंबर भी देना पड़ेगा अगर आपने पहले कभी म्यूचुअल फंड नहीं खरीदा है तो। और यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है कि स्टार्ट विथ एज़ लो एज़ ₹500, तो ₹500 में भी म्यूचुअल फंड की शुरुआत कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे देखिए एक स्टार बना करके दिया हुआ है लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर, मतलब 3 ईयर का लॉक इन पीरियड होगा। उससे पहले अगर आप जो है कि इसको रिडीम करना चाहते हैं, मतलब म्यूचुअल फ़ंड का पैसा अगर निकालना चाहते हैं, तो उसके कुछ चार्जेज या जो कुछ भी होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो उससे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि आप जो है कि पूरी स्कीम के बारे में आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है प्लीज़ रीड द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग, तो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आप इसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और काफ़ी ईजी इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, अपना आधार और पैन नंबर होना चाहिए। इसकी मदद से आप जो है कि फ्रीचार्ज के जरिए म्यूचुअल फ़ंड खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।